मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को ठेंगा दिखाते नुना पंचायत के सरकारी नुमाइंदे। तालगांव टूर्नामेंट का हुआ समापन, ललपुर ने जीती ट्रॉफी। अब खबरें विस्तार से। छतरपुर जिले का जिला चिकित्सालय गंदगी के लिए काफी सुर्खियों में बना रहा। प्रशासन और जनता के प्रतिनिधि भी जिला चिकित्सालय की गंदगी को दूर नहीं करवा सके। फिर अचानक सागर कमिश्नर के आने की खबर लगते ही आनन फानन में रात में ही सफाई अभियान शुरू हुआ। सुबह चिकित्सालय के सभी सफाई कर्मी सफाई में जुटे रहे और अस्पताल की सफाई पूरी हो गई। काश सागर कमिश्नर इसी तरह छतरपुर जिला चिकित्सालय में आते रहे, जिससे छतरपुर चिकित्सालय में सफाई बनी रहे। जिला चिकित्सालय में चारों ओर ही गंदगी थी। वार्ड के भर्ती मरीज गंदगी और बदबू में रहने को मजबूर थे, लेकिन कमिश्नर के आने से अस्पताल की सड़ांग कम हो गई। संभागायुक्त श्री शुक्ला ने अस्पताल परिसर में साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराने और शासन द्वारा मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं का लाभ देने की हिदायत दी। जहां रहती है साफ सफाई, वहां होती है अच्छे मन से पढ़ाई। नहीं मिलेगा यह जीवन दोबारा, गंदगी मुक्त हो गांव हमारा। यह नारे सिर्फ दीवारों पर लिखे हुए और भाषणों में अच्छे लगते हैं, जबकि हकीकत कुछ और ही बयां करती है तस्वीरें। छतरपुर जिले के नौगांव जनपद अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत नोना विकास से कोसों दूर है। यहां के सरपंच रामरति पटेल, सचिव मुकेश पटेल मिलकर कर रहे स्वच्छता अभियान में भ्रष्टाचार। गांव में खटिया सीसी सड़क निर्माण कर विकास का ढिंढोरा पीटने वाले सरपंच सचिव ने गांव में नालियों का निर्माण नहीं कराया, जिस कारण सड़कों पर कीचड़ और गंदगी का अंबार लगा रहता है, राहगीरों का निकलना मुश्किल है। ग्रामीणों ने बताया कि सरपंच सचिव की अधिकारियों से शिकायत करने पर भी कोई सुनवाई नहीं होती है। कौन सा गांव है जी? नुना हासार गांव। तो यहाँ ये रोड पे पूरा पानी भरा रहता है, कीचड़ मचा रहता है, तो यहाँ दिक्कत होती है आप लोगों को? पूरी दिक्कत होती है सर, कुछ लोग गिरते हैं यहाँ सा खटर के। तो आपके यहाँ सरपंच नहीं, आपने बोला इसके लिए कुछ इंतजाम? कोई नहीं सुनता है। और नालियाँ वगैरह नहीं बनी गाँव में क्या? अरे सर नहीं बनती, नहीं बनी। अच्छा, तो रोड पे पानी भरता है, कीचड़ होता है? कीचड़ होता है, गिलहरा गोबर सब होता है, और तक गिरती है आदमी गिरते हैं, निकलते नहीं बनता है, निकलते नहीं बनता सर। कोई अधिकारी नहीं ऐसा आता है जो काम कर सके यहाँ। कोई अधिकारी नहीं सुनते, कोई नेता नहीं सुनते, कोई नहीं आता है सर के देखने के लिए। जो आता है वो रास्ता आ जाता है, चला जाता है, यहाँ नहीं आता है कोई नहीं सुनने के लिए। और सरपंच सुनते हैं आपकी? नहीं सुनते। अरे साहब सरपंच खुद से नकद कौन न कर नहीं रहा अभी, ये तो खुद अखबार न कर। सरपंच का नाम क्या है आपके यहाँ? नयन पटेल, उसके नाम तो है सर माता राम है। छतरपुर जिले के राजनगर के गांव तालगांव में 16 दिनों से चला आ रहा टूर्नामेंट का समापन हो गया। समापन के अवसर पर ललपुर के समाज सेवी मोहम्मद इमरान और जीत सिंह गुंदेला मुख्य रूप से मौजूद रहे। उन्होंने विजेता टीम ललपुर को 10,000 रुपए और ट्रॉफी सौंपी। वहीं उप विजेता रही तालगांव की टीम को ट्रॉफी और 5,000 रुपए की नकद राशि दी, एवं टूर्नामेंट के बेस्ट खिलाड़ी रहे विक्की राजा। समाज सेवी मोहम्मद इमरान ने लोगों से कहा कि खेल हमेशा खेल भावना से खेलना चाहिए, एवं खेल खेलने से हमारे शरीर में फुर्ती बनी रहती है। जब दो टीमें खेलती हैं, तो किसी एक ना एक को तो हारना ही होता है। हारने वाली टीम को कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप फाइनल तक पहुंचे तो आपने अच्छा खेल का प्रदर्शन ही किया होगा।